दोस्तों, आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की उस रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा, और वो रात जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का भविष्य और सोच ही बदल दी। वो रात थी हमारी आजादी की रात। दोस्तों, दिल्ली में 14 अगस्त की शाम को ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5,00,000 लोग जमा हुए थे। बारिश अभी भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो लाइनें कहकर अपनी स्पीच शुरू की। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8,15,00,000 लोग एक ही रात में गवा दिए थे। आखिर उस रात ऐसा क्यों हुआ था, ये हम आपको डिटेल में बताएं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस रात की तरफ। दोस्तों, देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक ओर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसीलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 यानी 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं बल्कि दो टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया, तो इसमें भी एक बात है कि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ को नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही ये सब मानते हैं। माउंटबेटन मानते थे कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान में शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए सुखी था। तो फिर रात 12 बजे का वक्त ही क्यों तय किया गया, तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखना। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था, और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतार कर लहराया गया। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा, आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे।
1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज जिस तरह हमारे देश में अतिथि बनकर आए थे, उसी तरह से उन्हें विदा भी किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसा ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? पलासी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, चाहे देव तुल्य हो या हमें लूटने ही क्यों ना आया हो। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल में दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो लेकर आएंगे एक बार फिर आपके लिए अगली धमाकेदार वीडियो। तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल यू थिंक हिंदी। धन्यवाद।